कर्नाटक से दिल्ली के लिए यात्रा पे निकला। कहानी की शिक्षा ये है, कहानी की शिक्षा हम पहले ही बता दें कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी भी दूसरे की चीज, वो चाहे सोना हो, पैसा हो या कोई भी वस्तु हो, उसको अपना नहीं समझना चाहिए या उस पर लालच नहीं करना चाहिए। तो एक व्यक्ति कर्नाटक से चला दिल्ली के लिए, तो जिस सीट पर वो बैठा था उसी सामने वाली सीट के नीचे एक बहुत बड़ा बक्सा रखा था और उसमें जो है मजबूत ताला लगा था। तो उस ताले को, बक्सा को देख के उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई। उसने उसे लगा कि इसमें काफ़ी माल पानी है, लेकिन अब वो सोच रहा था कि आखिर ये बक्सा रखा तो किसी न किसी का तो होगा ही। तो स्टेशन आया तो कुछ लोग उतरे, लेकिन उस बक्से को किसी ने नहीं उतारा। फिर आगे चलकर दूसरा स्टेशन आया तो वहाँ भी कुछ लोग उतरे, लेकिन उस बक्से को किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने नहीं उतारा। धीरे धीरे करके दिल्ली आते आते सारे यात्री उतर गए, लेकिन किसी ने बक्से को नहीं उतारा। तो उसने सोचा कि लगता है कि कोई बक्सा अपना भूल गया, अब ये बक्सा मैं ले जाऊंगा और काफ़ी माल पानी होगा। तो अंत तक वो बैठा रहा इसी फिराक में कि सब लोग उतर जाए तभी उतारें, कहीं ऐसा ना हो कि जो बैठा उसी का हो और हम छुएं तो वो कहे हमें चोरी का इल्ज़ाम लगाए। तो सब यात्री उतर गए, लेकिन वो बैठा रहा अंतिम स्टेशन तक। तो जैसे ही दिल्ली आए, डिब्बा खाली हो चुका था लगभग, सभी यात्री उतर चुके थे और वो नहीं उतरा वो बक्से के पास ही। अब वो इस जुगाड़ में था कि किसी तरह इस भारी बक्से को नीचे हम उतार ले जाएं, अपना ले जाएंगे, बड़ा बक्सा ताला लगा काफ़ी माल पानी होगा। तो वहाँ पे फिर जो है दो पुलिस वाले डिब्बे में एंटर हुए। तो एंटर हुए उनको क्या, जैसे लास्ट में जब ट्रेन खाली होती है तो पुलिस वाले, जो रेलवे पुलिस होती है, वो आती चेक करती आके डिब्बे को अंतिम उसमें कि या कोई इसमें रहे तो नहीं गया, वो चेक करती है पुलिस। तो देखा वो आदमी बैठा सामने भारी सा बक्सा रखा, तो पुलिस वालों ने पूछा कि क्यों भाई ये बक्सा किसका? तो आदमी बोला मेरा है। तो कि इसमें क्या है? बोले इसमें मेरी भांजी की शादी है, उसी का सामान रखा हुआ है, कि खोल के दिखाओ। तो पुलिस वालों को कोई सूचना मिली होगी पहले से या उनको कुछ शक होगा कि खोल के दिखाओ। तो वो बोला कि इसकी चाबी खो गई, क्योंकि जब उसका हो तब तो वो चाबी दे, उसका तो था नहीं। तो बोला इसकी चाबी खो गई, और पुलिस वालों को कुछ पहले से ही सूचना मिली होगी, कहीं से क्लू होगा कुछ उनके पास। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चाबी खो गई। तो उन्होंने बुलवाया एक व्यक्ति को, कहा इसको तोड़ो, इसका ताला तोड़ो, देखते हैं इसमें क्या है, चेक करेंगे। तो जब उसका ताला तोड़ा गया तो उसमें जो है किसी की डेड बॉडी थी, मर्डर किया गया था, मर्डर। तो बक्से वो बंद थी। तो जैसे ही खोला वैसे ही वो हाथ पैर फूल गए, बोला अरे नहीं नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं। पुलिस वालों का अच्छा आप ये कह रहे थे मेरी भांजी इसमें शादी सामान कर, मेरा नहीं, और उसे उठा के मर्डर के केस में जेल में बंद कर दिया। तो अब उसे लालच बसी, तो उसने जो है उसे लालच आया, तो उसने जो है उसका नहीं था फिर भी उसने उसको अपना बनाया और जेल में चला गया, उम्र कैद हो गई। तो कहानी की शिक्षा ये है कि अगर कोई चीज़ तुम्हारी नहीं है तो दूसरे की चीज़ को भूल जाओ। कहा गया है दूसरे के सोने को, दूसरे की चीज़ को मिट्टी समझो, कचड़ा समझो। अगर आप उसको पर लालच करोगे कि ये मुझे मिल जाए तो आप उसका खामियाजा उठाएंगे। और वैसे भी सफ़र के दौरान बसों में, ट्रेन में, किसी भी लावारिस या किसी के भी सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जो स्मगलर लोग होते हैं वो बैग में जैसे जो स्मगलरी की वस्तु होती हैं जो ऑफेंसिव होती हैं उनको रख देते बैग में, अब वो सोचते कोई इसको ले जाए और वो उस पर नज़र रखते हैं और बस स्टेशन से निकल जाए फिर उससे अपना बैग वो छीन, फिल्मों में भी दिखाया जाता, बैग अपना ले लेते, लेकिन तब तक वो हाथ नहीं लगाते इसलिए कि खुद ले जाएं कहीं पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो दूसरों के जरिए से उसको बाहर करवाते हैं कि कोई बेवकूफ़ फंस जाए वो उसको चोरी गिनिया से इसको ले जाए, बस स्टेशन के बाहर कर दे क्योंकि वहाँ पुलिस रहती है। तो दूसरे का बैग अगर ट्रेन में मिलता है या लावारिस बैग है तो पुलिस को सूचना दो कि ये बैग पड़ा है किसी का, और नहीं तो किसी को मत सूचना दो, पुलिस को चेक करेगी, चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, उसमें बम भी हो सकता है या कुछ वैसी आपराधिक वस्तु भी हो सकती है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कभी भी दूसरे की चीज़ को, वो चाहे स्कूल हो, चाहे वो वर्किंग प्लेस हो, चाहे वो सफ़र के दौरान हो, किसी की दूसरे की चीज़ को छूना नहीं चाहिए। यदि आप किसी दूसरे की चीज़ पर लालच करते हैं तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा।